अभी जितने भी यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धालु जितने भी दर्शन कर रहे हैं, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञ की श्रृंखला हमेशा चलती आ रही है और पूरे भारतवर्ष में अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमर वीर शहीदों की पुण्य स्मृति में किया जाता है और ऐसे ही यज्ञ करते करते पूरे भारतवर्ष में, जैसे हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक में कुंभ लगता है जैसे वैसा, और प्रयागराज में, तो चारों तरफ से ऐसे यज्ञों की श्रृंखला चलते हुए आज पावनपुरी पोनी में हम लोग यहाँ पर अब आए हैं। और इस जगह पे भी 10 वर्ष से भारत के अमर वीर शहीदों की पुण्य स्मृति में यज्ञ चलते रहते हैं। और अब हम लोगों ने ऐसा विचार किया है कि इतने वर्षों से यज्ञ जब चल रहा है तो एक पक्की यज्ञशाला का निर्माण हो जो वीर स्तंभ के नाम से जानी जाए, वीर स्तंभ के नाम से भारत के अमर वीर शहीदों की पुण्य स्मृति में ये यज्ञशाला यहाँ पर बनाई जा रही है और उन्हीं को समर्पित की जाएगी। इस यज्ञशाला की विशेषता इसमें ये होगी, इसमें 108 हवन कुंड हैं और यज्ञशाला के चारों तरफ उन वीर नौजवानों के चित्र लगाए जाएंगे जिन्होंने भारत के लिए अपना योगदान दिया, उन्होंने अपना बलिदान दिया। और इस यज्ञशाला के अंदर भगवान नारायण की मूर्तियां भी हैं और 24 अवतार भगवान के जो होते हैं उनकी भी मूर्तियां हैं। हर जगह जगह पे यहाँ पर चित्र लगाए जाएंगे भगवान के। और वीर स्तंभ जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जो यज्ञ चलने जा रहा है उसमें लोकार्पण हो जाएगा उसका। और सारे भारतवर्ष में सभी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, साधु संत महात्माओं को, बड़े बड़े जितने भी हमारे संत लोग हैं सबको, और भारत के बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि सादर आमंत्रित होकर के वो यहाँ पर आएंगे और इस यज्ञशाला को लोकार्पण करेंगे और सारे देश में इसका प्रचार होगा, इसका प्रसार होगा। यहाँ पर घाट बनाए जा रहे हैं, जैसे हरिद्वार में गंगा जी का घाट है ऐसे ही यहाँ पर भी घाट बनाए जा रहे हैं। और ये सभी जो कुछ भी बन रहा है ये सारा का सारा भारत के अमर वीर जो जवान हो शहीद हो गए उनकी पुण्य स्मृति में बनाया जा रहा है।